Hello everyone, welcome back to Mama Pure India, and today I'm going to talk about a very very important topic, which is vaccinations for your babies. एंड ये ऐसी एक इम्पॉर्टेंट हमारा शेड्यूल है या एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो हमारे बेबीज़ से लेकर अराउंड 15, 16 अप टू 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी हो गई हैं, बिकॉज आजकल इतनी वैरायटी है इंडिया में वायरसेस की, जिसको लेके ऑलवेज अस एज पेरेंट्स आर ऑलवेज टेंस्ड, बिकॉज़ हमें बच्चों को एक्चुअली बाहर लेके जाने में भी बहुत डर लगता है, बिकॉज मोस्टली द बैक्टीरिया डिजीजेज वायरसेस आर कंटेजियस, एंड क्योंकि वो हम किसी ना किसी से कैच कर लेते हैं, तो जब छोटे छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम जैसे यू नो आम बैक्टीरिया डिजीजेज हो जाते हैं, सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है. इस सिचुएशन में जब आपका बेबी अच्छे से वैक्सीनेटेड है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं एक तसल्ली है दैट बॉडी फाइट बैक कर लेगी. यही जब हम वैक्सीनेशंस नहीं लगवाते हैं या रेगुलरली नहीं लगवाते हैं या अपना शेड्यूल मिस कर रहे हैं, तो हमारी बेबी की बॉडी ऑब्वियसली इम्यून नहीं है एंड हमें बहुत इश्यूज़ उसकी वजह से उठाने पड़ सकते हैं. अब बेबी जितना छोटा होगा उसका इम्यून सिस्टम उतना ही टाइनी और उतना ही लेस एक्टिव होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ने अभी कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ मिल्क पर है, बेरली समटाइम्स फॉर्मूला मिल्क पर ही है, तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बिल्डअप करेगा. एंड वैक्सीनेशंस इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने का सबसे बड़ा वेपन है आपके पास. ऑब्वियसली जब बेबी छोटा छोटा छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसको आप अच्छी फीड दे रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो एंड अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हो, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इवेंचुअली बिल्डअप होता ही है. बट छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरसेस या ब्रेन फीवर या निमोनिया, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन स्पेशली इंडिया में अब बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया गया है, स्पेशली पोलियो को, पोलियो ड्रॉप्स को. सो देर आर अ लॉट ऑफ वैक्सीनेशंस जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से कुछ वैक्सीनेशन सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं एंड मेजरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाती हैं. सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने बेबीज़ को हेल्थ वाइज आगे रखना है एंड उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. जो आप गवर्नमेंट वैक्सीन्स चूज़ कर सकते हैं आप कर लीजिए, अदरवाइज प्राइवेट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द अवेलेबिलिटीज ऑफ ऑल द वैक्सीनेशंस, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, बट वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो नाउ बिफोर मैं आपको पूरी अच्छे से शेड्यूल बताऊँ विद एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन मेजर टॉपिक विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेनफुल इंजेक्शंस एंड पेनलेस इंजेक्शंस. जो पेनफुल इंजेक्शंस हैं वो हमारे ईच वैक्सीन के अलग से इंजेक्शंस लगते हैं, तो ये वो डिफरेंस है. एंड पेनलेस है जिसमें दो से तीन वैक्सीन को एक ही इंजेक्शन में कंबाइन किया जाता है, एक ही शॉट बेबी को दे दिया जाता है, जिससे वो एंग्जाइटी ऑफ ऑलवेज आप जब यू नो आप जाएं और हर वैक्सीन का एक एक इंजेक्शन लगवाएं, वो थोड़ा सा ट्रॉमाटाइजिंग बच्चे के लिए पेरेंट्स के लिए हो सकता है. बट ऐसा नहीं है कि पेनलेस और पेनफुल में कोई वैक्सीन का डिफरेंस है, वैक्सीन वो ही है. फीवर सर्दी जुकाम आ सकता है आपके बच्चे को, सो इट इज़ टोटली योर चॉइस आप पेनलेस लेंगे या पेनफुल इंजेक्शंस लेंगे. आजकल ये अवेलेबिलिटी है हमारे पास. व्हेन इट कम्स टू पेनलेस इंजेक्शंस, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनफैक्ट काफ़ी डिफरेंस है टू बी वेरी ऑनेस्ट. पेनफुल इंजेक्शंस इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं एंड पेनलेस इंजेक्शंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं. इनफैक्ट उसमें 800-900 अप टू 1000 तक का डिफरेंस आ जाता है. बट दैट इज़ द डिसीजन दैट यू एज पेरेंट्स हैव टू टेक फॉर यू एंड योर बेबी, वॉट यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर. आई हैव गॉन विद पेनलेस इंजेक्शन यू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर शेड्यूल एंड अ प्रॉपर, जो कि ऑब्वियसली आप डॉक्टर से बहुत अच्छे से कंसल्ट करके ही अपने बेबी को वैक्सीनेशंस दिलवाएंगे एंड वो ही करना भी चाहिए. बट ये जो शेड्यूल मैं आपको दे रही हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर बेबी टिल अबाउट
गुड 18-19 मंथ्स का शेड्यूल मैं आपको दे रही हूँ. दिस इज़ समथिंग जो आप डॉक्टर से पूछ के लगवाइए एंड ये एक कॉमन शेड्यूल है, ये एक यू नो यूनिवर्सल शेड्यूल है. ये वैक्सीन्स लगती ही हैं. सो दिस इज़ जस्ट फॉर यू टू क्रॉस चेक एंड जस्ट टू गिव यू अ नॉलेज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैक्सीनेशंस, आपकी बेबी की वैक्सीनेशंस हैं किस लिए एंड वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बेबी के बॉर्न होने पे विद इन 24 आवर्स बेबी को 3 मेजर वैक्सीन्स लगेंगी, जो बेबी के अपर आर्म में दोनों में से किसी एक साइड पे लगेंगी, जो हल्का सा रेड मार्क या हल्का सा ब्लूइश पर्पलिश मार्क छोड़ जाएंगी, जो बहुत नॉर्मल है, इंजेक्शन की वजह से होता है एंड यूजुअली काफ़ी टाइम तक बेबी के साथ रहता ही है. सो विच इज़ टोटली नॉर्मल, उससे घबराइएगा मत. नाउ जो इसमें तीनों में से एक वैक्सीन है जो विद इन 24 आवर्स लगनी चाहिए, जो आपको बहुत उस चीज़ का ध्यान रखना है, विच इज़ हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन. ये वो वैक्सीन है जो बेबी के बॉर्न होने के विद इन 24 आवर्स लगना चाहिए, तो इस चीज़ की अवेयरनेस आप ज़रूर रखिएगा. BCG विच इज़ ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीनेशन. OPV इज़ ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, और इसको हम ओरली देते हैं, नॉट इंजेक्शन. सो व्हेन आफ्टर योर फर्स्ट वैक्सीन कम्स द 6th वीक वैक्सीन, तो 6th वीक पे यूजुअली आपको पीडियाट्रिशियन पे लेके जाना होगा एंड वो मेजर वैक्सीन्स लगाएंगे. अब अगर आप पेनलेस ऑप्ट कर रहे हो तो उसमें मेजर जो 3 वैक्सीन्स हैं वो एक ही इंजेक्शन में कंबाइन करके कुल मिला के 2 वैक्सीन्स और 1 ओरल ड्रॉप्स दिया जाएगा, विच इज़ समथिंग जो होगा. बट अगर आप पेनफुल ऑप्ट कर रहे हो तो हर वैक्सीन के अलग इंजेक्शन है, विच अगेन आई एम सेइंग इज टोटली योर चॉइस. अब जो आपकी सेकेंड वैक्सीन जो कि 6th वीक पे लग रही है, इसमें सबसे पहली वैक्सीन होगी DTaP, विच इज़ ऑल्सो DTWP वैक्सीन, एंड ये हमारे पर्ट्यूसिस विच इज़ वूपिंग कफ, हमारे डिप्थीरिया और टेटनिस के लिए लगता है. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होता है एंड यूजुअली आप देखोगे कि बहुत ऑफन ये वैक्सीन लग रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी. सेकेंड वैक्सीन इज HIB डोज 1. ये हमारे एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एच इन्फ्लुएंजा. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन विच इज IPV, विच इज़ इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन. अब ये जो इंजेक्टिव पोलियो है ये आपको सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओरल पोलियो मिलेगा. सो यहाँ पे ये डिफरेंस है. अगर आप जो आपकी सेकेंड वैक्सीन जो कि 6th वीक पे लग रही है, इसमें सबसे पहली वैक्सीन होगी DTaP, विच इज़ ऑल्सो DTWP वैक्सीनेशन. This is basically the first dose and ये हमारे pertussis which is whooping cough, हमारे diphtheria और tetanus के लिए लगता है. ये एक बहुत ही important vaccine होता है and usually आप देखोगे कि बहुत often ये vaccine लग रहा है because it is very important for the baby. Second vaccine is HIB dose 1. ये हमारे H influenza वैक्सीन है एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन विच इज़ IPV, विच इज़ इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन. अब ये जो इंजेक्टिव पोलियो है ये आपको सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओरल पोलियो मिलेगा. सो यहाँ पे ये डिफरेंस है. फोर्थ वैक्सीन जो लगेगी वो भी हेपेटाइटिस बी है, ये डोज 2 है. हमारे बेबी के बर्थ पे डोज 1 लगी थी एंड 6th वीक पे डोज 2 लगेगी. अगेन जैसे मैंने बताया ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है. इसके बाद अब 2 ऑप्शनल वैक्सीन्स हमको दी जाती हैं. ऑप्शनल क्यों होती हैं? क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं. दैट इज़ वाई डॉक्टर आपके आगे एक यू नो दे विल पुट अप अ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू कि क्या आपको ये लगानी है तो आप लगवा लीजिए, नहीं लगवानी है तो मत लगवाइए. बट मेजरली जब आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा पुश करेंगे ये करवाने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बट इसका एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है कि ऑप्शनल उनने कर दिया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज. लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स को बेबी के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें एंड ये ऑप्शनल वैक्सीन्स लगवा लेते हैं तो आप ही एक अच्छे पोजिशन में रहेंगे बेबी के फ्यूचर के लिए,
क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है एंड अगर ये प्रॉब्लम बेबी को बाय एनी चांस आगे आ जाती है तो वैक्सीन उससे फाइट करने में आपको ही मदद करेगी. सो गो फॉर दीज ऑप्शनल वैक्सीन्स जो बेबी को 6 वीक पे लगनी है. और वो क्या है? नाउ दिस इज़ PCV एंड रोटा वायरस. रोटा वायरस का इंजेक्शन आपको प्राइवेट में ही मिलेगा, जस्ट टू मेक इट क्लियर. ये दोनों ऑप्शनल वैक्सीन्स आपकी बेबी को ब्रेन फीवर या फिर निमोनिया के प्रॉब्लम से बचाएगी. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट्स ऑन माई सजेशन यू मस्ट गेट ये दोनों वैक्सीन्स. आप ज़रूर अपने बेबी को लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है. ये शायद आपको प्राइवेट में ही मिले एंड गवर्नमेंट में ना मिल पाए, लेकिन आप जो आपके पास जो बेबी का कार्ड है विच आई विल शो यू लेटर, दैट इज़ गोइंग टू टेल यू कि ये दोनों इंजेक्शन्स भी आपके पास ऑप्शनल हैं एंड लगवा लेने चाहिए. सो ये दोनों नाउ इज़ द टाइम फॉर योर बेबीज़ थर्ड डोज, जो कि जाके 10th वीक पे लगेगा. गाइज, ये जो वैक्सीनेशन है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव माना जाता है, बट ऑल्सो बहुत ज़रूरी माना जाता है. इसमें जो वैक्सीन्स हैं वो थोड़ी सी रिपीट होंगी, दैट इज़ वाई इनके शेड्यूल को मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. कभी कभी पेरेंट्स सोच लेंगे कि ये तो लगवा ली थी तो अब फिर से डोज क्या लगवानी है, ये तो बूस्टर डोज है तो क्या लगवानी है. बट नहीं, ये एक शेड्यूल है जो वीक बाय वीक हमको सीरियसली फॉलो करना है. सो व्हाट आर दोज वैक्सीन? विच इज डीटैप की सेकेंड डोज, हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज, HEP की सेकेंड डोज, IPV की सेकेंड डोज एंड रोटा वायरस एंड PCV की भी सेकेंड सेकेंड डोजेस, जो हमारे को अभी 6 वीक्स में लगी है वही सेम ऑप्शनल रोटा वायरस एंड PCV हमें फिर से लगेंगी. सो ये वो वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं. थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे ज़रूर चली जाएंगी, बट एज आई सेड, नथिंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द बेबीज हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वैक्सीन बेबी का 14th वीक में लगेगा, विच इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ वैक्सीन. एंड ये फोर्थ वैक्सीन इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक द थर्ड वैक्सीन. तो फोर्थ एंड थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है. जो आपके बेबी को 10th वीक पर वैक्सीन लगी है वो ही वैक्सीन बेबी को 14th वीक में भी लगेंगी, ऑल ऑफ देम. एंड दे आर रिपीटेड विद एडिशनल डोजेस, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट वीक फॉर द बेबीज इम्यून सिस्टम. नाउ इज द फिफ्थ वैक्सीन, जो सीधा बच्चे को 6th मंथ पे लगेगी. आफ्टर 14th वीक हमारे बेबी को वैक्सीन नहीं लग रही है, सीधा जाके 6th मंथ में वैक्सीन लग रही है. अगेन ये दो वैक्सीन्स बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट वैक्सीन इज TCV, जो बेबी का थायरॉयड वैक्सीन है, एंड सेकेंड इज इन्फ्लुएंजा, जो वायरसेस से लड़ने के लिए है. इन्फ्लुएंजा में बेबी को की कंडीशन देख के डॉक्टर आपको बताएंगे कि अभी लगवाओ या यू नो 7th मंथ में लगवाओ. सो द बेबी यू नो द डॉक्टर विल ओनली जज द बेबी एंड टेल यू कि अभी क्या माहौल है एंड लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए. इन्फ्लुएंजा वायरस डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, जो 6, 7th वीक दोनों में ही मंथ सॉरी 6 एंड 7th मंथ दोनों में ही लग रहा है. तो आपको डॉक्टर से थोड़ा सा टच में रहना है एंड आपको रिकॉर्ड में रखना है कि अगर आपने 6 मंथ में इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन नहीं लगवाया है, देन यू हैव टू गेट इट डन ऑन द 7th मंथ डेफिनेटली, टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम फीवर एंड जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरसेस चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ज़रूरी वैक्सीन है. सो TCV एंड इन्फ्लुएंजा ऑन द 6th मंथ एंड 7th मंथ ओनली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. फॉर योर 7th वैक्सीन, जो कि सीधा जाके बच्चे को 9th मंथ में लग रहा है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन. ये वैक्सीन्स हैं हमारे मीजल्स, मम्स एंड रुबेला डिजीज को फाइट करने के लिए, विच इज MMR डोज 1, MCV डोज 1, एंड अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करे तो विटामिन ए की भी वैक्सीन लगेगी, बट दैट यूजुअली हम देखते हैं कि ऑप्शनल हो जाएगा. सो दैट इज समथिंग जो आपको पूछना है, क्रॉस चेक करना है, एंड इफ द डॉक्टर सेज देन यू कैन गो अहेड विद दिस वन ऑल्सो. दिस वैक्सीन जो 9th मंथ की वैक्सीन है बहुत इम्पॉर्टेंट है टू फाइट फ्रॉम मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, जो कि बेबी को बहुत प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम दीज डिजीजेस. सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर योर बेबीज वैक्सीनेशंस.
अब बच्चे की एथ वैक्सीन अराउंड 9 to 12 months के बीच में दी जाएगी, विच इज़ गोइंग टू बी MCV की सेकेंड डोज एंड HEP की डोज, विच इज़ गोइंग टू बी थोड़ा सा HEP शायद ऑप्शनल हो जाए, जो कि टोटली आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उनने आपके बेबी को क्या शेड्यूल दिया है, सो ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना है फॉर श्योर. अब बच्चे की 9th वैक्सीन लगेगी, जो कि जाके 15th month में लगेगी. अगेन ये वो वैक्सीन है विच इज़ अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. इसमें लगेगा PCV बूस्टर शॉट, जो कि हमारा फोर्थ डोज होगा. देन MMR का सेकेंड डोज लगेगा. एंड एक स्पेशल वैक्सीन होती है विच इज़ वेरिसिला 1, जो कि फर्स्ट डोज होगी आपकी बेबी के 15th month के लिए. दिस इज़ बेसिकली फॉर चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स काफ़ी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ा सा पेनफुल डिजीज़ है एंड क्योंकि सबको होता ही है, तो गवर्नमेंट हैज़ कम विद अ वेरी नाइस यू नो वैक्सीन कि इसका पेन या ये बच्चे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे फ्रॉम चिकन पॉक्स. ये जाके 15th month में लगेगा. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉट, तो ये वाला वैक्सीनेशन आप ज़रूर लगवाइए. नाउ इज़ द 10th वैक्सीन, जो 16th to 18th मंथ के बीच में लगेगा. ये तीनों ही वैक्सीन बूस्टर शॉट्स होंगे एंड इम्पॉर्टेंट बूस्टर शॉट्स हैं. DTaP, HIV एंड IPV, इन तीनों के बूस्टर शॉट्स लगेंगे. अगेन इनको इनका जो एक शेड्यूल है, इनके जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ शॉट्स हैं, इनको मीट करना ही पड़ता है. तो बूस्टर शॉट्स पढ़ के ऐसा मत कीजिएगा कि आप मिस कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं. ये मत सोचिएगा कि मेरा बच्चा तो ठीक है, बड़ा हो गया है, क्या ज़रूरत है. बट जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है बूस्टर शॉट्स की, या एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ शॉट्स वैक्सीनेशंस की ज़रूरत है, उसको प्लीज़ फुलफिल कीजिए एंड 15th to 18th month वाली वैक्सीन ज़रूर लगवाइए. फिर आपके बच्चे के लिए 11th वैक्सीनेशन, जो 18th to 19th month में लगेंगी, जब आपका बच्चा ऑलमोस्ट 2 साल का होने वाला है. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बच्चे को HEPA का सेकेंड डोज लग रहा है. एक डोज हम जब बच्चा 7th to 8th डोज का HEPA फर्स्ट डोज लगा था, और इस बारी हमको उसका सेकेंड डोज लगवाना. सेकेंड इज वेरिसिला का सेकेंड डोज, विच इज़ अगेन फॉर चिकन पॉक्स. ये भी बहुत ज़रूरी है. और एक ऑप्शनल हमारा शॉट लगेगा विच इज़ TCV थायराइड के लिए. तो ये आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि ये वेदर लगवाना है या नहीं लगवाना है. हर डॉक्टर अलग है, हर शेड्यूल अलग है, बट जो मेजर एक स्कीम है, जो मेजर इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं, वो सब बच्चों के लिए एक जैसी हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो. ऑप्शंस आपको सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिलेंगे, बट वैक्सीन्स में कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. सो वैक्सीन्स जो लगवानी है हर मंथ, वो एक मैंडेट है, ये वाली वैक्सीन्स लगवानी ही है. व्हेन इट कम्स टू TCV ऑन दिस मंथ, तो इसमें आप थोड़ा अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए वेदर ये शॉट रिपीट कर. गाइज, आफ्टर द 18th and 19th month वैक्सीनेशन, जब आपके अच्छे से 11 प्रॉपर शेड्यूल्ड वैक्सीन्स हो चुकी हैं, नाउ अब सीधा 2 साल में जाके आपके बच्चे को वैक्सीन लगेंगी, और जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स होती हैं. एंड उसके बाद अप टू 15-16 years तक की वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं फॉर अस फ्रॉम द गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी वेरी गुड. एंड प्लीज़, वैक्सीन इज़ समथिंग जो मैं रिपीटेडली बोलती हूँ कि कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. वैक्सीन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, ओनली बिकॉज वो हमारे ही बच्चों की हेल्थ के लिए है, फॉर द फ्यूचर. अभी भले ही हमें ना लगे कि ये वैक्सीन इम्पॉर्टेंट हैं, बट आगे जब बच्चे वायरसेस कैच करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तब हमारे लिए ये रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है. एंड तब हमें रियलाइज़ होगा कि हमारे हमने वैक्सीन्स लगवाने का डिसीजन बहुत अच्छा लिया. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शो यू इज़ दिस बेबी रिकॉर्ड, जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए. दिस इज़ अ रिकॉर्ड दैट यू यू मस्ट फॉलो. अगर आपके डॉक्टर ने या आपके हॉस्पिटल ने आपको ये इम्यूनाइजेशन कार्ड नहीं दिया है, सो दिस इज़ योर राइट. यू हैव पेड फॉर द वैक्सीनेशंस, यू हैव टू हैव दीज रिकॉर्ड्स. आप ज़रूर, अगर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप ज़रूर इस कार्ड को मांगिए. ये आपके बेबी के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो यहाँ पे डॉक्टर वैक्सीनेशंस की पेस्टिंग्स कर देंगे एंड अच्छे से डेट लिख देंगे. दे विल ऑल्सो राइट द वेट ऑफ द बेबी एंड कौन सी वैक्सीन लगी, कौन सी ब्रांड की लगी, कब लगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
स्पेशली जब आपका बेबी अब्रॉड स्टडीज़ के लिए बाद में जाएगा तो वैक्सीन्स ज़रूर पूछी जाती हैं। अप टू 18 मंथ्स की वैक्सीन का अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, जैसे आप देख रहे होंगे, हियर इज़ व्हाट आई हैव इन डिटेल। सो दिस इज़ वेयर यू नो बच्चों की लेटर एज, जैसे 16, 17, 18 ईयर्स तक का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हैंडी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके पास भी ट्रैक रहे, आपके डॉक्टर को भी पता हो। अगर आप किसी भी सर्कमस्टांस से डॉक्टर बदल रहे हैं तो भी ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। सो यू मस्ट हैव योर बेबी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। सो दिस वॉज माई टेक ऑन 2 ईयर्स वैक्सीनेशंस, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट स्टडी है एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। बट लोगों को नहीं पता होता कि ये वैक्सीन्स किस लिए हैं, क्यों लगवानी है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आई हैव ऑल्सो रिटन एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दीज वैक्सीनेशंस। आप चाहे गवर्नमेंट लीजिए या फिर आप प्राइवेट लीजिए, बट वैक्सीन्स लगवाइएगा ज़रूर। बात रही हमारे आफ्टर केयर वैक्सीनेशंस की, यहाँ पे हमारे लिए मेजर 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप पेनलेस या पेनफुल इंजेक्शंस के लिए जा रहे हो तो बेबी को फीवर होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी कोई भी आपको नहीं देगा, बिकॉज़ हर बच्चे की बॉडी अलग है। तो अगर आपके बच्चे को फीवर हो रहा है, चिल्स फील हो रहे हैं, या आपको लग रहा है बेबी इरिटेटेड है, या थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन में है, तो आपके पास रेडिली अवेलेबल फीवर मेडिकेशन होनी चाहिए। तो आप पहले ही, जब आप 6th वीक में बच्चे को अपनी फर्स्ट वैक्सीन के लिए लेके जा रहे हैं, तो तब ही आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ द फीवर मेडिसिन जो मेरे पास होनी चाहिए, या व्हाट इज़ द SOS मेडिसिन जो मेरे पास होनी चाहिए, ताकि जब भी लेट नाइट भी अगर वैक्सीन की वजह से बच्चा ट्रबल में है तो आप उसको एक दवाई का डोज दे सकते हैं इजीली। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू डू। यूजुअली डॉक्टर आपको बेबी क्रोसिन देगा जो होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट आपको T98 देगा, विच इज़ अ वेरी माइल्ड फीवर मेडिकेशन फॉर द बेबी। तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपके बेबी के वेट के हिसाब से, या व्हाट आर द जनरल ड्रॉप्स क्वांटिटी जो आपको आपके बच्चे को देना है इन टर्म्स ऑफ फीवर। दूसरा है कि रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी हार्ड मसाजेस, या वो रगड़ रगड़ के नहलाना या मसाज करना बिल्कुल 2-3 दिन बिल्कुल मत कीजिए। आपका बेबी बिल्कुल आपको बता नहीं पाएगा कि मेरे को वैक्सीन लगी है, मुझे दर्द हो रही है। सो डोंट गिव एनी मसाजेस। लाइटली आप बेबी को हल्का सा उसकी फीट रब कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, बट ऑल्सो इट्स नॉट नीडेड। उसके बाद अगर बेबी को थोड़े से चिल्स वगैरह फील हो, तो आप थोड़ा सा बेबी को वार्म रखिए, ब्लैंकेट हमेशा उसके ऊपर रखिए, एंड ज़्यादा बेबी को कैरी मत करो, या पकड़ो मत, या उसको यू नो ऑन योर आर्म्स मत पकड़ो। बिकॉज आफ्टर वैक्सीन्स थोड़ा सा बॉडी एक फीवर होने की वजह से, या उसके क्योंकि वैक्सीन्स लेग्स पे लगती हैं, आफ्टर 6 वीक्स बेबी को हमेशा लेग्स पे लगेंगी वैक्सीन। तो हो सकता है उसकी टांगों में दर्द होने की वजह से जब आप उसको उठाएं तो वो क्रैंकी हो जाए, दर्द में रहे। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, आप उसको आराम से लिटाइए एंड लिटाए लिटा के ही खिलाइए, या लिटा लिटा के ही खेलिए उसके साथ। तो दिस इज़ समथिंग जो आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो गाइस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई ट्राइड टू गिव द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये डेफिनेटली आपको बेबी वैक्सीनेशन मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगी वीडियो। एंड फॉर एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आल्सो आस्क और टेल मी इफ देयर इज एनी फीडबैक ऑफ समथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम गोना बी बैक वेरी सून विद अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड, subscribe, like, share my videos, and if possible, share all the love in the comment section. Thank you so much. See you very, very soon.